उसके बाद ब्रेकफास्ट खाता था, लिमका भी है सर आप। हे गाइस, दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। आज मेरे साथ है मिस्टर शिवम आहूजा। आप में से काफ़ी लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो ऑलरेडी जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं ये एक फिटनेस कंटेंट क्रिएटर भी हैं, एक एक्सेल कंटेंट क्रिएटर भी है। इन्होंने अपना काफ़ी बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मैं इनका ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मैं चाहूँगा ज़रूर चेकआउट करें। काफ़ी एक मोटे पर्सन से काफ़ी एक लीन पर्सन तक इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कराया, और आज हम स्पेसिफिक इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या वो मेंटल प्रिपरेशन, मेंटल जर्नी रही, साथ ही साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है, उन्होंने पर्सनली क्या किया, बेसिकली उनका एक्सपीरियंस इस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हम जानने वाले हैं। सो हेलो शिवम, वेलकम टू माई चैनल, और बताएं कैसे हैं आप, और बाकी अगर मैंने कुछ इंट्रो में कुछ गलती या फिर कुछ आप ऐड करना चाहेंगे प्लीज। थैंक यू सो मच मानस भाई फॉर द इंट्रोडक्शन। इट इज लवली टू बी हियर, इट इज अ प्रिविलेज टू बी हियर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। एंड यार इंट्रोडक्शन परफेक्ट दिया एकदम, सब एक्सेल भी हम मजे करते हैं, सीए फाइनलिस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, सब जगह हाथ मारा हुआ है, तो हाँ मजे करते हैं लाइफ में एकदम। एंड हाँ ट्रांसफॉर्मेशन भी करी है। ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक इज अ वर्ड जो बहुत देन एंड नाउइश है, आई थिंक हासिल किया है एंड इम्प्रूव कर रहे हैं हर दिन, राइट? ओके, सो क्विकली आपके ट्रांसफॉर्मेशन पे मूव ऑन करने से पहले मैं आउट ऑफ माय क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मुझे पता है कि आप यश शर्मा से मिले हैं, उनके साथ वर्कआउट भी किया है, आप अभिनव महाजन जी से भी मिले हैं, उनके साथ भी शायद वर्कआउट तो नहीं बट अच्छा खासा आपने मीटिंग किया हुआ है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या एक चीज थी जो आपने मिस्टर यश शर्मा से और मिस्टर अभिनव महाजन जी से सीखा, और बेसिकली आपका मीटअप हुआ कैसे, आप मिले कैसे, रिलेशन कैसे बना, प्लीज। गॉट यू क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं ये कहूंगा कि मैं हाँ यश शर्मा से मिला हूँ, मैं अभिनव महाजन से मिला हूँ, और मैंने मानस के साथ इंटरव्यू भी किया है। हाँ, अब मैं यश शर्मा के बारे में बताता हूँ। तो उनके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था पहले स्टार्टिंग में, तो उनसे इंस्टाग्राम पे ही मैसेज पे बात हुई थी, मैंने थोड़े बहुत फिटनेस के क्वेश्चंस ही पूछे थे उनसे, जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसमें थोड़ी हेल्प भी ली थी वर्चुअली, एंड फिर उनका एक मीटअप हो रहा था जनकपुरी साइड में ही, एंड वहां पर उनसे मिला था, एंड काफी ब्रदरली वाली फीलिंग आई थी जैसी फर्स्ट टाइम उनसे मिला था, काफी एक इंस्टेंट कनेक्ट बैठ गया था। इट सीम्ड दैट जो वर्चुअल में वो दिखाते हैं अपने आप को एंड जो रियल साइड है उनकी, इट इज क्वाइट सिमिलर, एंड दोनों पर्सनैलिटीज वर्चुअल एंड रियल इज काफी मोटिवेटिंग, एक उनसे मिलके अलग ही वाइब आ जाती है। तो उनसे एक चीज मैंने क्या सीखी, आई थिंक जो वो प्रैक्टिस करते हैं वही वो प्रीच करते हैं, एंड वो क्या प्रैक्टिस एंड प्रीच करते हैं, डिसिप्लिन इज इक्वल टू रिजल्ट्स। सो वो हमने उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखा है, एंड वही चीज मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन में भी दिखाई है एंड प्रैक्टिस एंड प्रीच करी है। सो दैट इज द वन थिंग आई लर्न फ्रॉम यश शर्मा सर। एंड दूसरी चीज, दूसरा अभिनव महाजन सर का आपने पूछा, उनसे मैं काफी लक में मिला था टू बी ऑनेस्ट। मैं और मेरी फैमिली कहीं वेकेशन पे गए थे सोना साइड, एंड वहां पर अभिनव महाजन सर एंड सीरत कालरा सर से मिले थे हम, तो वो भी उनको पूल में देखा था, वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे एकदम, तो वहां पे जाके मैंने हाय हेलो बोला था, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन उनको दिखाई थी, एंड वो भी काफी अच्छा खुश हुए थे देख के कि ट्रांसफॉर्मेशन करी है मैंने। एंड वहां से हमने कॉन्वर्जेशन करी थी फिटनेस के ऊपर, कॉन्टेंट क्रिएशन के ऊपर, स्टाइल के ऊपर, एंड बहुत ही ज्यादा ब्रदरली वाली फीलिंग सर से भी आई थी, सर के साथ भी आई थी, एंड उनके साथ भी मैंने वर्कआउट किया था शाम में, एंड बॉलीवुड सॉन्ग्स लगा के एकदम प्रॉपर फुल वाइब में किया था हमने वर्कआउट। एंड उनसे जो मैंने एक चीज सीखी है वो है इंडिविजुअलिटी, उनका वो उनमें एक यूनिकनेस है, एक उनमें अलग सी चीज है जो डिफ्रेंशिएट करती है बाकियों से, एंड आई थिंक ही हैज मेड हिज ओन स्टाइल, उन्होंने अपनी ही स्टाइल में फिटनेस को बढ़ावा दिया है, कंटेंट क्रिएशन किया है। सो आई थिंक आई हैव लर्नड इंडिविजुअलिटी फ्रॉम हिम कि कॉपी करके कुछ नहीं होगा, एक यूनिकनेस है वो खुद फॉलो करनी चाहिए, राइट? एंड आपसे मैंने क्या चीज सीखी है इज आई थिंक टू बी परफेक्ट, कि हर चीज में आप ट्राई करते हैं कि आपकी परफेक्शन हो। आपने ट्रांसफॉर्मेशन करी, बिल्कुल रियल रखा आपने, जो आपकी वीडियो एडिटिंग है, आपकी अभी लाइटिंग ही देख लो, एक तरफ लाइटिंग है, एक तरफ कैमरा एंगल है, प्रॉपर आपने पीछे बैकग्राउंड सेट किया है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपने प्रॉपर मेजरमेंट से आप चीज लेते हैं, आप प्रॉपर वर्कआउट में भी परफेक्ट एंगल्स दिखाते हैं, ऊपर ब्लैक ब्लैक रहता है, नीचे वीडियो रहती है, इट्स जस्ट अमेजिंग टू वॉच। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हम हर किसी इंसान से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को हमें मिलता है, और हमें वो करना भी चाहिए, सबसे आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ऑलराइट शिवम,
मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि कभी भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, ये ऐसा होता है कि पहले से हम मोटे होंगे या फिर कुछ प्रीवियस वर्जन में होंगे, और कभी एक पॉइंट पे हमें वो थिंकिंग आती है कि यार अब हमें ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। तो आपके केस में वो क्या पॉइंट था, या फिर वो पॉइंट था भी या नहीं? आई मीन आपने कैसे सोचा कि भाई अब मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए, वो क्या पॉइंट था? राइट तो अगर जो जो ये मोटे लोग वीडियो देख रहे होंगे तो वो मेरे से इस बात पे रिलेट करेंगे कि यार पतला तो हमें भी होना ही है ना। ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं आता कि अब सोचे चलो अब पतले हो जाते हैं। जब स्टार्टिंग से ही यस एक होता है बीइंग कंफर्टेबल इन योर ओन बॉडी, बट साथ ही साथ एक मेंटेलिटी होती है टू प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस इन अ ऑन अ फिटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो एज सच कोई एक पॉइंट नहीं था कि मैंने सोचा कि अब फिट होना है। एवरी पॉइंट आई थॉट कि फिट होना है। जब भी मैं क्रिकेट खेल रहा होता था ग्राउंड में, तभी भी लगता था यार काश मैं थोड़ा और फिटर होता, मैं और थोड़ा तेज भाग पाता। पढ़ाई करते टाइम भी जब मैं थोड़ा आलसी हो जाता था, नींद आ जाती थी, तो सोचता था कि यार शायद फिटर होता ना तो और मेरा स्टेमिना इंक्रीज और बेटर होता। तो ऐसा कोई एक पॉइंट तो नहीं था, देयर वर मल्टीपल पॉइंट्स कि मुझे लगता था कि फिट होना जरूरी है। बट जब जब मैंने ट्राई किया था आई हैड फेल्ड कि यार नहीं हो पा रहा मैं पतला, नहीं हो पा रहा मैं पतला, नहीं हो पा रहा। एंड क्यों होता था ऐसा? मे बी बिकॉज आई वॉजेंट डूइंग द थिंग्स विच आई एंजॉयड। वेट ट्रेनिंग सब लोग हवा थी वेट ट्रेनिंग की। वेट ट्रेनिंग करोगे आप पैसिवली भी बर्न करोगे कैलोरीज, एक्टिवली भी करोगे। तो मैंने वो ट्राई डेफिनेटली किया था, बट टू बी ऑनेस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे से नहीं हुआ था वो सस्टेन 2 वीक्स या 3 वीक्स से ज़्यादा। तो फिर 12th के बाद मैंने सोचा कि यार ट्राई करते हैं जो चीज़ हम इंजॉय करते हैं ना वही करने का। तो अप्पा को तो एकदम बॉलीवुड सॉन्ग्स पे नाचने का बहुत मजा आता है, तो पूरा मरफा मरफा करते थे पंजाबी पंजाबी आदमी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल पंजाबी सॉन्ग्स पे डांस करते थे। जिम जाके हम जुम्बा करते थे, 2-3 महीना जुम्बा किया एकदम। 108 केजीज मेरा मैक्सिमम वेट था। धीरे धीरे 100 आया, धीरे धीरे 95 आया, 90 आया। तो छोटे छोटे गोल्स बनाए मैंने अपने लिए। ऐसा नहीं सोचा कि 40 किलो कम करने में को, नहीं, स्मॉल स्मॉल गोल्स। 108 से 100 आया, फिर जब स्केल पे मैंने 100 देख लिया तो मैंने कहा चल यार अब 95 जाते हैं ना, इतना आए हैं, वी हैवंट कम दिस फार जस्ट टू कम दिस फार। तो थोड़ा थोड़ा और करते गए एंड अब यहाँ पे हैं। कमेंडेबल यार, कमेंडेबल। यहाँ से हम एक चीज कंक्लूड आउट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो चीज आप एंजॉय करते हैं ना उसके साथ ही आप यू नो कंसिस्टेंट या परसिस्टेंट रह सकते हैं। अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं बस देखे दिखाए में, भाई सब जिम कर रहे हैं, सब रेजिस्टेंस ट्रेन कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, मे बी आप कुछ दिन तक कर लेंगे लेकिन उसको आप एंजॉय ही नहीं करेंगे, तो मे बी आप उसमें आप अपना 100% नहीं डालेंगे, और जब आप उसमें 100% नहीं डालेंगे तो एक पॉइंट पे आके उसको जरूर क्विट कर देंगे। ऐसा लोग ना समझे कि वेट ट्रेनिंग बुरी है या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बुरी है, नहीं, नॉट एट ऑल। उल्टा साइंस आप ही ज्यादा बता पाएंगे कि वेट ट्रेनिंग इज बेटर टू लूज वेट, टू लूज फैट एंड गेन मसल, एब्सोल्युटली इट इज बेटर। बट वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज टू एटलीस्ट डू इट, कि पहले आप कंसिस्टेंसी तो आई है, दैट इज द प्राइमरी थिंग। वेट ट्रेनिंग या कौन सी टाइप की एक्सरसाइज इज अ सेकेंडरी थिंग। एक मैं कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ यहाँ पर, काटना हो काट देना, नहीं काटना हो मत काटना, कि आप किसी को भी फॉलो करो, आप मानस जी को फॉलो करो, अगर आप उनसे रिलेट करते हो, उन पे फेथ दिखाते हो, आप उनको करो। आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देख के मोटिवेट हो रहे हो कि मैंने मैंने ट्रांसफॉर्म किया जुम्बा से, तो आप मेरे को देख के करो। फेथ इज द बिगेस्ट थिंग जो होता है। अगर आप तरुण गिल सर को भी या किसी एक्स वाई जेड को भी मानते हो कि अच्छा उन्होंने ऐसे किया है तो उनको फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको फॉलो मत करो, उनको फॉलो करो। वो एटलीस्ट बताएंगे ना कि वर्कआउट करना है, आप थोड़ा तो वर्कआउट शुरू करोगे। एनी टाइप ऑफ बैड वर्कआउट इज ऑल्सो बेटर देन नो वर्कआउट। तो जिसको भी आप फॉलो करते हो, ट्रस्ट करते हो, आप करो उसको फॉलो करो, आप एटलीस्ट वर्कआउट तो करोगे। एंड फिर धीरे धीरे जब आप इसमें घुस जाओगे तब आपको सही गलत का पता चलेगा एंड फिर आप जज कर सकते हो एकदम। ये चीज बताना चाहूंगा कि एक्चुअली एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। सबसे पहले आप वो चीज आपको चुनना चाहिए जिसमें आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं, उसके बाद आती है कि आइडियल चीज कि भाई क्या करना चाहिए। जो करना चाहिए अगर वो आपसे हो नहीं रहा है तो बेटर है ना, जो आप जिस जो आपसे हो रहा है एटलीस्ट वो करो। 100% शायद ये क्वेश्चन आपके लिए मे बी टफ हो सकता है क्योंकि मैं आपसे कोई एक चीज पूछूंगा जो कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन में काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और इसके बिना कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करना पॉसिबल नहीं है। और हर बिगिनर को या फिर हर कोई जो अपना फैट लॉस, यू नो, वेट गेन, कुछ किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करना है कर रहा है, वो एक चीज जिस पे उसको स्टेप बैक नहीं करना चाहिए वो तो होना ही होना चाहिए, इसके बिना ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं सकता। तो वो क्या एक चीज होगी? आई थिंक कंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी विद रिस्पेक्ट टू वर्कआउट्स, कंसिस्टेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑल हैबिट्स एक्चुअली. ऐसा नहीं है कि वर्कआउट करोगे वजन कम हो जाएगा, डाइट पे कंट्रोल करोगे वजन कम हो जाएगा. नहीं, आई थिंक यू हैव टू बी इन लव विद द प्रोसेस रादर देन द फाइनल डेस्टिनेशन. अब प्रोसेस में एंजॉय करोगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप कंसिस्टेंट भी रहोगे एंड डेफिनेटली डेफिनेटली रिजल्ट्स उसका बाय प्रोडक्ट होगा. जैसे आप ही बताते हैं कि फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन. तो लाइफस्टाइल बनाइए फिटनेस को. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, द वन थिंग इज टू एंजॉय द प्रोसेस. अगर मैं जुम्बा कर रहा हूँ, आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस. अगर मैं पिज्जा खा रहा हूँ तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है. पोर्शन कंट्रोल, बैलेंस, हैबिट. अगर आप हर दिन पिज्जा खाते हैं, आप उसको 3 डेज में एक बार खाइए. 3 डेज में आप एक बार कंफर्टेबल हो गए, आप वीक में एक बार खाइए, वो कंफर्टेबल हो गए, फोर्टनाइट में एक बार खाइए. सो एंजॉयिंग द प्रोसेस इज द की एंड बैलेंसिंग इट आउट विद द राइट थिंग्स एंड द नॉट सो राइट थिंग्स इज ऑल्सो क्रूशल. एक और चीज, जैसे कि आप ज्यादातर जो आप स्टोरी सुनेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, उनके पास हमेशा ये बोलने के लिए टिपिकल होता है, मे बी वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आई डो नॉट नो. लेकिन ज़्यादातर स्टोरीज मैंने सुना है, पहले मैं मोटा था, मुझे बुली करते थे, फिर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, मैंने बॉडी बनाई, अब मेरी लाइफ ऐसे हो गई, मेरी लाइफ यहाँ से यहाँ चेंज हो गई. तो ये आपके केस में ये जो टिपिकल सी स्टोरी है, कितना ज़्यादा आपके केस में फिट हो रहा है? ऐसा कुछ था या फिर नहीं था? या फिर मैं ये पूछना चाहूँगा कि ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आपकी लाइफ कैसे थी, उसके बाद कैसा है? एक्सटर्नल लोग तो देखो कहते ही रहेंगे, चाहे मैं मोटा था या पतला था या अब जैसे स्टेट में हूँ, लोग तो कहेंगे ही. पहले लोग कहते थे हाथी है या एक्स वाई जेड नाम ले लेते थे, फिर बाद में लोग कहते थे डंडी हो गया है, पतला हो गया है, एक्स वाई जेड, फिर भी कहते थे. आई एम श्योर आपको भी लोग डेफिनेटली मिलते होंगे, यार तू टी शर्ट के साथ ऐसा लग रहा है, टी शर्ट के बिना वैसा लग रहा है, एक्स वाई जेड लग रहा है. तो लोग तो डेफिनेटली कहते ही रहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे. सो वॉट वी हैव टू चेंज इज हाउ वी टेक दैट, हाउ किस किस का पॉइंट हम इग्नोर करते हैं, किस किस को कान बंद कर देते हैं, किसके जो बोलते हैं, एंड किस किस का कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी लेते हैं. सो आई थिंक जजिंग दैट इज मोर क्रूशल. तो हाँ, जो आपका क्वेश्चन था कि आर द ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज की, पहले मैं मोटा था, फिर मैंने एड देखी, मैं पतला हो गया, ये एक्स वाई जेड, वो डेफिनेटली सच होती हैं, डेफिनेटली सच होती हैं. क्योंकि आपका एक नजरिया है देखने का. मैं भी अपनी स्टोरी ऐसे बता सकता था कि पहले यार मेरे को लोग ना ऐसे कहते थे, मैं बहुत मोटा था, नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा था कुछ भी, मैं ऐसे बता सकता था. बट आई चोज टू बी ऑन अ पॉजिटिव साइड, आई चोज टू टेक द फीडबैक रियली वेल एंड फिर उसको अप्लाई भी किया मैंने. एक और सवाल जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोग, आप अगर देखेंगे, सबको ट्रांसफॉर्म करना है, सबको फैट लॉस करना है, वो चाहेंगे कि भाई मैं 2 महीने में पतला हो जाऊँ, 3 महीने में पतला हो जाऊँ, राइट. लेकिन जब उन्होंने वो फैट गेन किया है, वो लोग ये चीज़ नहीं देखते हैं कि उन्होंने उस फैट को गेन करने के लिए कितना टाइम लगाया है. एटलीस्ट उसका हाफ पीरियड तो दे अपना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. सो माय क्वेश्चन वुड बी लाइक, हम लोगों को एक एस्टिमेट फिगर दे सकें आपका एग्जाम्पल लेके, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि आपने लगभग कितना टाइम लिया होगा फैट होने में? आई मीन, एक तो पॉइंट होगा जहाँ पे आपने रियलाइज करना शुरू होगा कि यार मेरी टी शर्ट्स टाइट हो रही है, मेरी थाइज हैवी हो रही है. तो लगभग मैं एक टाइम एस्टिमेशन चाहता हूँ कि कितना लंबा आपको लगा कि भाई अब मैं इतने मोटे स्टेज पे पहुँच गया, और फैट लॉस का आपका टाइम पीरियड क्या था, ताकि एक हम नंबर निकाल के एक एवरेज एस्टिमेशन दे सके कि भाई कितना आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए. राइट, पहले तो इसको क्वांटिफाई करना थोड़ा टफ है, बिकॉज एक प्रोसेस में ही मैं मोटा हुआ था एंड एक प्रोसेस में ही मैं पतला हुआ था. बट मोटा मोटा अगर आप देखें, 11th क्लास तक भी मैं मोटा था, बट 12th क्लास खत्म होने तक मैं बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया था. सो 1 ईयर में मेरा ड्रास्टिक वेट इंक्रीज हुआ था, मेनली बिकॉज ऑफ सेडेटरी लाइफ स्टाइल या एक्स वाई जेड. एंड फिर पतला का आप कहेंगे तो वही आप कहेंगे कि स्टार्ट मेरे को दिखना ही 2 मंथ्स में स्टार्ट हुआ था दिखना चेंजेस, कि मैं फील कर पा रहा था. एंड फिर धीरे धीरे 5 किलो कम हुआ, 10 किलो कम हुआ. एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसमें तो टू बी ऑनेस्ट साल भर या 2 साल लगे, उससे ज्यादा ही लगे. बट दिखने चेंजेस मेरे को 2 महीने में स्टार्ट हो गए थे, एंड 6 मंथ्स में आई वॉज फीलिंग मोर कम्फर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट. सो हाँ, वो आधा जो आप कह रहे हो डेफिनेटली सही है. तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो होता ही होता है फॉर श्योर. आपको काफ़ी ज़्यादा यू नो, आपके कपड़े फिट आते हैं, आप एक्टिव फील करते हैं. आई वुड लाइक टू नो कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने भी एक्सपीरियंस करा है, मैं बस जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि क्या वो सेम चीज़ें होती हैं जो हर कोई एक्सपीरियंस करता है. क्योंकि मैं आपका जानना चाहता हूँ फिलहाल कि आपका मेंटल स्टेट किस तरह से चेंज हुआ, या फिर मेंटली क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या आई आपके दिमाग के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर.
राइट, टू बी ऑनेस्ट इसमें मैं कोई फैंसी आंसर नहीं देना चाहूंगा. मैं पहले भी आई थिंक आई वॉज पॉजिटिव, आई वॉज कॉन्फिडेंट, एंड उसके बाद भी आई फेल्ट पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट. बट हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा कॉन्फिडेंस में और बूस्टअप आया मेरे में. जितना पहले कॉन्फिडेंट था उसके बाद भी कॉन्फिडेंट हुआ. एंड सबसे बड़ा जो चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी वॉज सेल्फ बिलीफ. कि जब एक बार मैंने पतला हो गया, आई फॉलोड अ प्रोसेस, आई फॉलोड द थिंग्स विच टुक टाइम, विच टुक मी टाइम, तो लगा कि यार मैंने इतना वेट लॉस कर लिया है, मतलब आई हैव द स्किल सेट, आई हैव द विल पावर, आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू गिव वैल्यू टू अदर्स. मैं दूसरों को मोटिवेट कर सकता हूँ. तो थोड़ा ग्रेटफुल वाली फीलिंग भी आई कि आई कैन ऐड वैल्यू टू पीपल. एंड दूसरा, सेल्फ बिलीफ मेरा काफी ज्यादा हो गया था. आप बताइए, आपने आपने क्या एक्सपीरियंस किया देन एंड नाउ में? देखो, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जब भी मैंने किया है, मेरा मेन मोटिव, मेन पर्पस था अच्छा दिखना. तो ये मेरे साथ टिपिकल केस हमेशा हुआ है कि भाई पहले मैं मोटा था, ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता था. मेरे जो चेस्ट का रीजन है वो काफ़ी लूज रहता था. तो मैं कहीं भी टी शर्ट में खड़ा होता था, हमेशा मैं ऐसे नहीं खड़ा होता था, मैं हमेशा ऐसे खड़ा होता था, क्योंकि आई नो यार ये निपल वाला पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा है. सो एक वो कॉन्फिडेंस, आप अपने आप को दूसरों के सामने कॉन्फिडेंटली कैरी नहीं कर पाते हो. जब आप फिजिकली कॉन्फिडेंट अपने आप को कैरी नहीं कर पाते हो, आप जो बोल रहे हो ना उसमें भी आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो. कहीं ना कहीं आप अपने वॉइस को सप्रेस करते हो, धीरे बोलने की कोशिश करते हो. ये ड्रास्टिकली चेंज होती है जब आपकी बॉडी एक सेक्सियर और फिटर वर्जन में बन जाती है. और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सच में एक्सपीरियंस करा है. अगर मैं मोटा हूँ तो सच में मैं किसी के सामने जाऊंगा, मैं थोड़ा सा टी शर्ट ऐसे खींचूंगा, कहीं मेरा पेट तो ऐसा नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा ऐसे लूज रहूँगा, कहीं मेरी निपल लाइन तो नहीं दिख रही. लेकिन अगर मैं फिट हूँ, थोड़ा स्लिम हूँ, यू नो मेरे थाइस की कटिंग्स दिख रही हैं, तो मैं भाई आराम से ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे कपड़े कैसे हैं, क्योंकि ना मुझे पता है मेरे कपड़े कैसे भी होंगे मैं ओवरऑल अच्छा ही दिख रहा हूँगा. तो जब आप फिजिकली, आपको पता है आप स्ट्रांग हो, आपको फिजिकली कॉन्फिडेंट फील होता है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, आप अपना ओपिनियन सामने यू नो फॉरवर्ड पुट करते हो और आप किसी चीज़ में पीछे नहीं हटते हो. तो ये मेंटल बहुत बड़ा गेम होता है हर ट्रांसफॉर्मेशन में. मेंटली पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज होता है. एंड दैट टू सबके लिए डिफरेंट ही रहता है. अगर मान लो मेरा करो, मेरा एग्जांपल लो, मेरा मैक्सिमम वेट वॉज 108 kg, लोएस्ट वॉज 68 kg उसके अराउंड, एंड करंट वेट इज 79-80 kg. तो करंटली यस, मैंने थोड़ा मसल एंड थोड़ा फैट पुट ऑन किया है, बट 108 में तब क्या था कि आई वॉजेंट कम्फर्टेबल इन माई ओन क्लोदिंग, आई वॉजेंट कम्फर्टेबल इन माई ओन स्किन. जैसे आप कह रहे थे कि यहाँ से ये मेरा फैट तो नहीं दिख रहा, तोन तो बाहर नहीं आ रही टाइप्स, ये वो थोड़ा होता था. बट अब क्या है, भले ही थोड़ा फैट है मेरा, बट आई थिंक आई एम कम्फर्टेबल इन माई ओन स्किन. अब ज्यादा मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि चल दिख रहा है ना. आई हैव कॉन्फिडेंस. जो सेल्फ बिलीफ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करके आ गई, दैट इज हेल्पिंग मी हियर ऑल्सो. की फर्क पड़ता है, सब ठीक है. एक ये भी होता है कि मुझे पता है कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इवन इफ मैं मोटा भी दिख रहा हूँ, मेरे कंट्रोल में, मैं जब चाहूँ पतला भी हो जाऊंगा. राइट. अच्छा शिवम, एक और सवाल. जब भी किसी भी तरह की डाइटिंग, किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन या फैट लॉस की बात आती है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि डाइटिंग मतलब प्रॉपर ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, एवोकाडो वगैरह वगैरह ये सब खाना होता है, भाई कौन अफोर्ड कर पाएगा. तो मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि डाइटिंग मतलब ये सब नहीं होता है या फिर होता है. मैं बस सिंपली जानना चाहूँगा कि आपका पर्सपेक्टिव या फिर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, कि आपने क्या क्या चीज़ें खाई हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ताकि लोगों को एक अंदाज़ा मिल सके कि भाई इस तरह के खाने से भी हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा कर सकते हैं. So I think dieting term is not the right term. The right term is food preference. वो कि A is better than B, बस वो हमें judge करना है and बाकी तो ठीक है. Dieting के first three letters are Q. तो I think fasting, आप fasting भी नहीं, correct food preference आप करेंगे तो better रहेगा आपके लिए. तो मैं personally क्या करता था वो थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ. मानस भाई जैसे कह रहे हैं कि brown rice खा लो, या avocado, या ग्रीक सैलेड, योगर्ट, ग्रीक योगर्ट, वो सब खा लो. बट वो सब ना यार कहाँ यार, मेरा लाइफ स्टाइल में आपके इंक्लूड होगा क्या? एक तो मेरे ख्याल से वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, एंड सेकेंडली इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता, थर्डली हमारे घरों में वो बनता नहीं है ज़्यादा, फोर्थली आपके लिए अलग से होगा. सो बहुत सारे रीजन्स हैं कि वो आप नहीं खाएंगे, एटलीस्ट मैंने तो नहीं खाया. यस, उनके फायदे होंगे, बिल्कुल होंगे, बट मेरी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड नहीं हुआ. तो मैंने मैनेज किया उसे जो मेरे लिए पॉसिबल था. तो मैं मोटा मोटा अपना एक डाइट चार्ट आपको बता देता हूँ जो मैंने फॉलो किया, आपके लिए अलग हो सकता है. स्टार्टिंग में सुबह उठता था, हाइड्रेशन, पानी इज वेरी जरूरी, तो पानी पियो एकदम उठते ही आप. उसके बाद ब्रेकफास्ट खाता था, लिम्का पी रहे हो सर आप, आपने रोनाल्डो वो लिम्का की बॉटल में पानी भरा हुआ है, मिडिल क्लास फैमिली, राइट. तो
उसके बाद ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में मैं अंडे खाता था, 4 अंडे या 5 अंडे, विद द येलो पार्ट विदाउट द येलो पार्ट जो मन किया जिस दिन। एंड जो अंडे नहीं खा सकता वो प्रोटीनिशियस या तो सोया खा ले या पनीर खा ले। एंड उसके बाद लंच, लंच में 2 रोटी दाल सब्जी दही, बेसिक, नथिंग कॉम्प्लेक्स नथिंग फैंसी, बस यही खाता था, राइट। एंड फिर शाम के टाइम चाय पीता था मजे से, एकदम इलायची वाली चाय। उसके बाद रात में जो खाना खाता था 7:30 बजे के करीब, फिर से 1 रोटी दाल सब्जी दही, कभी कभार या दही अवॉइड भी करता था। इट वॉज सिंपल एंड बीच में एक वे प्रोटीन का शेक टू फुलफिल माई प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। तो 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट प्रोटीन, इतना तो जरूरी होता ही है यार सबके लिए। तो अगर आप वे प्रोटीन भी नहीं ले सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के खाने से भी वो फुलफिल कर सकते हैं। नथिंग फैंसी, कीप इट सिंपल, जो सस्टेनेबल है वो करो सिंपल। इट इज़ बेसिकली द न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को चाहिए, वो न्यूट्रिशन किस फूड सोर्स से मिल रहा है वो आपकी बॉडी को नहीं पता है। वो न्यूट्रिशन आप कहीं से भी दिला सकते हो अपनी बॉडी को, वो काम कर जाएगा। अ काइंड ऑफ बॉडी पॉजिटिविटी वाली चीज़ है ये कॉन्सेप्ट। काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा कि यार जिंदगी है, खाने के लिए तो है, एंजॉय करना है, क्यों अपने आप को पुश करना है, इतना हार्ड जिम में मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी वर्कआउट कर रहे हैं। तो हम लोग भी तो खा पी के मज़े कर रहे हैं, हम लोग भी तो सही से लाइफ जी रहे हैं, तुम लोग इतनी क्यों मेहनत कर रहे हो? आपकी लाइफ है, आपको जो चूज़ करना है चूज़ करो। कहीं ना कहीं स्टेटमेंट भी सही है कि आपकी लाइफ है, लेकिन आप कितना किस हद तक इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो या फिर डिसअग्री करते हो, ये जानना चाहूँगा। मैं तो इस स्टेटमेंट से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता कि आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप सारा कुछ खा भी सकते हैं एंड फिटनेस में भी ध्यान दे सकते हैं। तो उनका तो बस वो एक्सक्यूज ही है कि क्योंकि वो फिट नहीं हो पा रहे हैं इसलिए वो कह रहे हैं कि यार कुछ भी खाओ, कुछ भी ये है ऐसा है। सो आई थिंक आप खा सकते हैं, आप फिट भी रह सकते हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर आप भी जब आपका मन करता होगा इन बैलेंस खाते ही होंगे, एंड इन बैलेंस इन पोर्शन कंट्रोल डेफिनेटली खा सकते हैं। एंड एक्सरसाइज में जो मजा है, एक्सरसाइज में जो नशा है, उसके बाद वो खाने का जो मजा है वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो जो आपने कहा उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लोग बेसिकली अपना एक्सक्यूज देते हैं और हम हर चीज़ को खा सकते हैं, एंड आई एग्री विद दैट। लोगों को लगता होगा कि मानस ये नहीं खाता, मानस वो नहीं खाता, भाई मानस सब खाता है, भर भर के खाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एंड एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लो मैं आइसक्रीम का काफी ज्यादा फैन था पहले, तो जब मैं 108 kgs का हुआ था तो लिटरली एक एक टब मैं आइसक्रीम खाता था तब। तो मैंने बस पोर्शन कंट्रोल किया, अभी भी मैं आइसक्रीम खाता हूँ। बट जब मैं वो 1 week बाद या 2 weeks बाद आइसक्रीम खाता हूँ ना, और जब मैं वो आइसक्रीम का स्कूप लेके वो फील से खाता हूँ, वो आइसक्रीम की ही वैल्यू 2x 3x टाइम्स हो जाती है, वो टेस्ट ही मजा आ जाता है करके। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, सॉरी सॉरी टू आस्क वन मोर क्वेश्चन, बट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मे बी क्वेश्चन थोड़ा आपको सेम तरह का लगे, मे बी आपका आंसर भी सेम हो, बट अगेन आई आस्क बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो, वट इज दैट वन एडवाइस, दैट वन सजेशन यू विल गिव टू अ बिगनर हु इज अबाउट टू स्टार्ट हिज ट्रांसफॉर्मेशन? गॉट यू। मैं दो एडवाइस देना चाहूंगा यहाँ पर जो डिफरेंट हो, जो मैंने पहले चीजें कही हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो एक वॉरियर होता है, वॉरियर ही डाइज मल्टीपल टाइम्स, पर एक वॉरियर है ही डाइज ओनली वंस। जो वॉरियर के लिए लॉस होती है ना, दैट इज ही डजंट ट्रीट इट एज अ लॉस, ही ट्रीट इट ही ट्रीट्स इट एज अनदर अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड द नेक्स्ट टाइम। तो अगर आप वॉरियर मेंटेलिटी रखेंगे, आपने एक बार ट्रांसफॉर्मेशन करने की ट्राई करी, नहीं हुई, डोंट गिव अप देयर, ट्राई अगेन, स्टैंड अप, ट्राई अगेन, फॉल 7 times, स्टैंड अप द 8th, एंड ट्राई करते रहो, डोंट स्टॉप ट्राइंग। अगर आपने ट्राई करना छोड़ दिया देन यू हैव गिवन अप, अब वरियर बन गए हो, अब चिंता में ही लगे रहो कि यार मेरा वजन कम नहीं हो रहा, यार मैं ट्रेनर ही चेंज कर देता हूँ, ये ट्रेनर ही बेकार है, या मैं इस चैनल को फॉलो नहीं करता, या ये मैं बंद कर देता हूँ, वो मैं बंद कर देता हूँ, एक्सक्यूजेस ही बनाते रहोगे। बट आई थिंक यू हैव टू बी अ वॉरियर ओवर अ वरियर। एंड जो दूसरी एडवाइस मैं देना चाहूंगा कि यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस, यू हैव टू एंजॉय द फ्लाइट रादर देन टेकिंग द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन जैसी भी हो, अगर आप वो फ्लाइट एंजॉय कर रहे हो ना, तो उड़ान बहुत ऊंची जाएगी, बहुत ये ज्यादा कुछ ऊंची जाएगी। हिंदी में हम कहते हैं ना कि मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो, समथिंग ऐसे। हाँ ये ऐसा ही ऐसे ही। ओके, सो विद दिस वी शुड रैप अप। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको मज़ा आया शिवम से बात करके, मुझसे बात करके, एक्चुअली हमने बात करी तो हमारी कॉन्वर्सेशन सुन के आपको मज़ा आया हो। दैट्स इट, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। शिवम का इंस्टाग्राम, उसका यूट्यूब और उसका ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर जाके चेकआउट करें।
With this, that's a wrap on this video. Take care, everybody. Thank you. Bye-bye.